राजस्थान जैसे कई क्षेत्रों में बाल विवाह जैसी कुप्रथा आज भी काफी प्रचलित है। सरकार की ओर से बाल विवाह रोकने के लिए बनाए गए कानून और तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद प्रदेश के 16 जिलों में अब भी सर्वाधिक बाल विवाह हो रहे हैं। इनमें भीलवाड़ा जिला टॉप पर है। यहां दो दिन पहले भी 10 नाबालिगों का विवाह पूरे धूमधाम से किया गया। 3 दिन तक फंक्शन हुए, सभी रस्में निभाई गईं। नाबालिग दूल्हा दुल्हन ने हजारों लोगों की मौजूदगी में स्टेज पर वरमाला पहनाई और उनका फोटोशूट भी हुआ, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। मामला भीलवाड़ा के मांडल कस्बे का है। यहाँ बुधवार रात अलग अलग 10 नाबालिग जोड़ों की शादी हुई। जानकारी के मुताबिक लांगरों का खेड़ा गांव में अलग अलग स्थानों से करीब 17 बाराती लेकर आया था। इनमें नाबालिग दूल्हे भी शामिल थे, जिनकी गांव में बिंदोली भी निकाली गई। बाल विवाह में हजारों लोगों के लिए रिसेप्शन का आयोजन भी किया गया। पुलिस पर आरोप है कि इसी दिन एक एनजीओ कार्यकर्ता ने बाल विवाह की जानकारी पुलिस को दी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को बाल विवाह की शिकायत मिलने पर बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन के सदस्यों की टीम गांव में पहुंची थी। जानकारी जुटाने और बाल विवाह की पुष्टि होने के बाद मांडल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। बताया जा रहा है कि 23 अप्रैल को भी गांव में 2 बाल विवाह होने हैं, लेकिन पुलिस ने अब रुकवा दिए और परिजनों को पाबंद किया है। यूनिसेफ के बीते कुछ सालों के आंकड़ों के मुताबिक भारत में सबसे ज्यादा बाल विवाह राजस्थान, बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हैं। विशेषकर राजस्थान के 16 जिले इस मामले में सबसे ज्यादा बदनाम हैं। इन जिलों में दौसा, जोधपुर, भीलवाड़ा, चुरू, झालवाड़, टोंक, उदयपुर, करौली, अजमेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, मेड़ता नागौर, पाली, सवाई माधोपुर, अलवर और बारां शामिल हैं।